दोस्तों बहुत दुख का विषय है, एक मूवी आ रही है, मूवी का नाम है कमांडो 3। उसका ट्रेलर देखा था मैंने यूट्यूब पे, भाई देखते एक साथ कति खून फग गया। ट्रेलर में दिखा रखा है, आपने बताया दू मैं, ट्रेलर में दिखा रखा है कि पहलवान छोरियां छेड़न लग रही है, और यहां तक बात नहीं है, छेड़ना भी ऐसा दिखा रखा है कि छोरी शुरुआत में कति रोन लग रही है कि पहलवान अखाड़े वाले हमने दुखी करे है, और फिर उसके बाद सीन और ज्यादा बेकार हो गया है कि लड़की की स्कर्ट खींच रहा है एक पहलवान, वो भी अखाड़े के बीच में, सामने हनुमान जी की मूर्ति है और उसके सामने खड़े होकर सारे पहलवान दिखने लग रहे, और एक पहलवान की स्कर्ट खींचने लग रहे वहां छोरी है, और फिर एक्टर की एंट्री हुआ है, फिर एक्टर उन पहलवाना ने पीटा है। तो मतलब नु देखो पहलवानों कितना बेकार दिखाया गया है, कितनी घिनौनी सोच दिखाई गई है, और हनुमान भगवान जिसने सारे पहलवान पूजा है, पहलवानी का प्रतीक है, उसके सामने नु दिखा दिया कि एक पहलवान छोरी छीड़न लग रही है और उसके साथ गलत काम करने लग रही है, और अपनी टीआरपी के चक्कर में उन्हें नु नहीं सोची जो पहलवान इंडिया में सबसे ज्यादा मेडल लेकर आवे है, देश का हर जगह नाम रोशन करने लग रही है, उन्हें मोटिवेट करने की बजाय तुम उन्हें इतना गंदा दिखाने लग रहे हो, नू तुमने सोची नहीं कि कितना इसका गलत असर पड़ेगा, और पहलवाना ने यह चीज कितनी बेकार लग गई। तो भाई यो ट्रेलर मैंने कल देखा था जब मेरा दिमाग खराब हो रहा था, आज मैंने सुबह सुबह कृपा शंकर पहलवान जी की पोस्ट देखी, उन्होंने भी इसका बायकॉट कराया है, मैंने बहुत अच्छा लग गया कि पहलवान जी ने इसके लिए आवाज उठाई, हम पहलवान जी का सपोर्ट करते हैं, एक दो कुश्ती के चैनल और है वे भी इस चीज को बायकॉट कर रहे है, मैं कुश्ती के दीवाने की तरफ से भाई इस फिल्म ने कति बायकॉट करू हूं, बिल्कुल काटा मार दिया भाई। आप सब ने भी कहू हूं जो भी कुश्ती का कोई भी प्रेमी है जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भाई फिल्म ने बायकॉट करो, बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है, टीआरपी का माध्यम बना लिया है, मतलब एक टीआरपी के चक्कर में ये नहीं देखा जा रहा है कि क्या दिखा रहे हो भाई। दंगल सुल्तान ये फिल्म भी तो थी, अच्छा मैसेज दे रही थी, पहलवाना मोटिवेट कर रही थी, भाई टीआरपी के चक्कर में ऐसे पहलवानों को वो मत करो, डिसरिस्पेक्ट मत करो भाई, इतना मान लिया स्क्रिप्टेड है, पर स्क्रिप्ट में भी ऐसा मतलब ऐसी स्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए कि जिस तक पहलवान है डिसरिस्पेक्ट हुआ है, तुम अखाड़े के अंदर एक लड़की ने छिड़ते हुए दिखा रहे हो, सोचो कितनी बड़ी बात है, वैसे स्क्रिप्टेड भी हो आपकी सोच इतनी बेकार जा कह सकती है, पहलवानों का स्वभाव जो होता है ना वो तो वैसे भी इतना शर्मिला होता है, इतना तो मतलब आप बहुत गलत दिखा रहे हो, मतलब की दिखा रखे आप पहलवाना का टैटू बना रखी है, कन्ना अंबाली दिखा रखी है, इसे पहलवाना होते जो पहलवानों के बारे में पता नहीं ना तो वो स्क्रिप्ट लेके मत आओ, पहलवान दिखाने है तो अच्छे दिखाओ, गलत मत दिखाओ, मैं इस फिल्म का बिल्कुल बायकॉट करू हूँ, होप आप सब भी इसका बायकॉट करोगे भाई, बस दिमाग खराब हो लिया भाई, बायकॉट करो, सारे मिलकर भाई सपोर्ट करो।